हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा शर्मा गुरुविद्या में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊँगी। तो मैं आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप अगर उनको लर्न भी कर लेते हैं तो इट्स मोर देन सफिशियंट किसी भी एग्ज़ाम में उसको एग्ज़ाम को सही करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो हम स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, कि गलत बताना है हमें कि गलत कौन सा स्टेटमेंट है इसमें। तो फर्स्ट है हमारा, धर कमीशन वॉज सेटअप बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1948 टू कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया, मीन्स राज्यों के पुनर्गठन के लिए। संविधान सभा के अध्यक्ष ने 1948 में धर समिति का गठन किया था। तो देखिए, पहले हमको इसमें क्या करना है, एलिमिनेशन प्रोसेस से करना है इसको, क्योंकि हमें इसमें क्या बताना है कि गलत कौन सा है। तो पहले सही को आप अलग कर दीजिए तो आंसर वही होगा जो गलत बचेगा, ठीक है। तो सही है बिल्कुल कि धर का समिति का गठन हुआ था 1948 में, तो फर्स्ट वाला तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन बी, धर कमीशन डिड नॉट फेवर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बिल्कुल सही था कि जो धर समिति थे वो लोग उसके मतलब कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वो क्या चाहते थे कि वो किस बेसिस पे हो, प्रशासनिक बेसिस पे हो कि उनके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द गवर्नमेंट इन 1948 सेट अप अ हाई लेवल कमेटी कॉल्ड लिंग्विस्टिक प्रोविजंस कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ नेहरू पटेल एंड सीतारामैया टू कंसिडर द धर कमीशन रिकमेंडेशन। यस, ज़रूर उसमें क्या किया था कि धर जो आयोग था उसकी समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया था, पर वो कौन सा आयोग था, JVB, याद हो तो आपको, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थी, ठीक है। पर उन्होंने नाम भी लिए हैं, पर एक्चुअली में क्या था, वो कौन सा समी उनका क्या नाम था, JVB। तो ये इसका आंसर नहीं हुआ। इट मीन्स जो इसका आंसर है कि हमें गलत कथन बताना था, इसमें गलत स्टेटमेंट बताना था, तो हमारा आंसर क्या होगा आपका, सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सिक्किम बिकम अ न्यू स्टेट इन द यूनियन बाय द अमेंडमेंट एक्ट, तो सिक्किम किस संशोधन के द्वारा नया राज्य बना, हमने पढ़ाई था ये सब कुछ, तो किस में बना था, 36th अमेंडमेंट हुआ था और 1975 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्लियर है। देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं इसका तो ले सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए बाद में इसको रिकॉल करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन ऑफ आसाम नागालैंड गोवा एंड मिजोरम, कि मीन्स इन राज्यों का सही कालानुक्रम क्या था, मतलब कि सबसे पहले कौन सा बना, उसके बाद कौन सा और उसके बाद में कौन सा। तो थर्ड में हमारा है, सबसे पहले बना था आसाम, नागालैंड, मिजोरम और फिर गोवा, ठीक है। ये आप कैसे पता लगा सकते हो, इसमें बहुत ईजी है पता लगाना, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको याद कैसे रहेगा। तो ये ध्यान रखो कि गोवा सबसे लास्ट में बना था, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, मतलब कि हट गए, तो बचे बी और सी, ठीक है। तो आसाम पहले ही है इसमें, तो ये ध्यान रखेंगे कि आसाम में से क्या बना था, नागालैंड, तो आसाम बना, फिर नागालैंड बना, देन आफ्टर मिजोरम और गोवा, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, गोवा वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 25th स्टेट इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर, कि गोवा कौन से ईयर में, कौन से सन में भारत का 25वां राज्य बना, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1987 में, ठीक है। तो 1987 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी गॉट बर्थ विथ द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के साथ इनमें से किस राज्य का जन्म हुआ, तो वो हमारा था क्या, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ या इनमें से कोई नहीं, कौन सा था, पंजाब के साथ कौन सा राज्य बना था, हरियाणा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In which year Manipur and Tripura become the full-free state of India? किस वर्ष में मणिपुर त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा इसका? 1962, 68, 72 और 80. तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सी, 1972. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मड एज 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन. तो इनमें से कौन सा भारतीय जो संघ था वो 22वां राज्य बना, 22वां राज्य कौन सा बना था हमारे भारतीय भारत का? तो ये हमारा कौन सा हो सकता है, आप आइडिया लगाइए, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. तो ये जो 22वां बना है, 25वां बना, ये आपके लिए आंसर करना बहुत ज़्यादा ईजी है अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो. तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 7 का? सी, सिक्किम जो था वो क्या बना था हमारा? 22वां राज्य. ठीक है, सिक्किम के बारे में हमने और चीज़ भी पढ़ी थी कि पहले ये क्या था, ऑटोनॉमस था, मतलब कि खुद का ही इनका क्या था, शासन था, इसमें चांगलियों ने शासन किया था. उसके बाद इससे हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 36th अमेंडमेंट में ये चेंज हो गया था और इसमें क्या हो गया था, ये भारत का क्या बन गया था, पूर्ण तरह से राज्य बन गया था. ठीक है, तो ये 22वां राज्य था जो कि भारत का बना. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वॉज द नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड विच रीऑर्गेनाइज द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक. मीन्स राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था हमारा 1956 में, उसके बाद हमें राज्य कितने बने थे जो कि भाषा के आधार पर गठित हुए थे. तो हमने पहले बात करी थी कि 14 तो राज्य बने थे और क्या बना था, 6 केंद्र प्रशासित प्रदेश बने थे. तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ 8th का? बी. ठीक है, तो बी इसका हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टेरिटरी एक्सटेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इज प्रिस्क्राइब्ड. मीन्स भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राज्यों के क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब मैंने वीडियो लास्ट स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में बता दिया था कि फर्स्ट अमेंडमेंट में ये बात हुई थी कि केंद्र प्रशासित प्रदेश को क्या किया जाए, बनाया जाए राज्यों में से उसको अलग करके. ठीक है, तो हमारा 9 का आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर क्रिएटेड इन 1987. इनमें से ऐसे कौन सा स्टेट है जो कि 1987 में बना था? तो महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश. गोवा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा सिर्फ बना था या अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश बना था? तो हमारा आंसर एक्चुअली में क्या होगा, गोवा एंड अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों ही 1987 में बने थे. तो आंसर हमारा हो गया इसका बी. 11 है हमारा, अरेंज हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरला, महाराष्ट्र इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन. की कौन कौन सा स्टेट किस किस के बाद बना था, तो इनमें से सबसे पहला कौन सा बना था? तो इसमें सबसे पहले हमारा कौन सा स्टेट बना था? केरला. ठीक है, उसके बाद हमारा आया था यहाँ पे महाराष्ट्र, फिर हिमाचल प्रदेश, देन आफ्टर आपका मणिपुर. क्लियर है, तो 11 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 12, इन विच ईयर आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड. तो आंध्र प्रदेश किस वर्ष में बना था ये हमको बताना है. देखिए, आपको ध्यान होगा कि आंध्र प्रदेश सबसे पहले बनने वाला क्या था, हमारा राज्य था जो कि भाषा के आधार पर बना था. तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 1956 में ये बना था, सबसे पहले ये वाला आयोग बना था. इससे पहले 1948 में धर आयोग का गठन हुआ था, जिसमें ये बात हुई थी कि राज्य जो हैं वो भाषा के आधार पर बनने चाहिए या नहीं. देन आफ्टर उसके बाद में क्या हुआ, 1956 में बनने वाला ये पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर बना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज 28th स्टेट ऑफ इंडिया. कि 28वां राज्य कौन सा है भारत का? तो देखिए, बहुत ही इजी है ये बताना, क्योंकि लास्ट में कौन सा राज्य बना था, 2014 में ही बना था. लास्ट में राज्य हमारा कौन सा बना है सबसे? झारखंड. ठीक है, इनमें से अगर इनमें से बात करें तो सबसे पहले हमारा राज्य कौन सा रहा इसमें? झारखंड.
जो 2000 में बना था. देन आफ्टर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14. द आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1969 क्रिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और स्टेट्स. आसाम पुनर्गठन अधिनियम 1969 में कौन से राज्य का निर्माण हुआ था? तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? मेघालय. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 15. विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट गिव राइज टू हरियाणा. इनमें से कौन सा अधिनियम के अंतर्गत हरियाणा बना था? तो हमें वो एक्ट बताना है जिसमें क्या बना था हरियाणा. देखिए हमें लास्ट जो भी क्वेश्चन गए हैं उसमें से हमने पढ़ा था कि पंजाब में जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1966 एक्ट था उसके अंतर्गत क्या बना था? हरियाणा. ठीक है. तो ये आंसर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अब आपके लिए यहाँ पर आके, क्योंकि आंसर इस तरह से भी आ सकता है कि इनमें से अधिनियम के अंतर्गत कौन अंतर्गत हरियाणा बना था. तो वो हमारा आंसर हो जाएगा डी, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 डिवाइडेड द कंट्री इन फाइव जोन्स. इन विच जोन राजस्थान वॉज प्लेस्ड. कि किस जोन में, किस क्षेत्र में हमारा राज्य आता है वो हमें बताना है. क्षेत्र कि उत्तरी है, पश्चिमी है, मध्य है या दक्षिण है. कि वैसे ज़्यादातर हमें पता है कि हमारा जो राजस्थान है वो किस क्षेत्र में आता है? नॉर्थन में, उत्तरी में. ठीक है. 17th है हमारा अमंग मेघालय, सिक्किम, नागालैंड एंड आसाम हाउ मैनी स्टेट्स वर इनिशियली गिव स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट एंड सब्सिक्वेंटली मेड फुल फ्लेज्ड स्टेट. कि ऐसा कौन सा राज्य है इन सब में से, कितने राज्य, मतलब कि हमें नंबर्स बताने हैं इनमें से, किस किस में से, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, आसाम में से ऐसे राज्य बताने हैं नंबर्स में. कि जो पहले तो क्या थे कि खुद के अंडर में थे, मतलब कि आंतरिक मामलों में क्या स्वतंत्र थे, स्वायत्त थे, और बाद में क्या हो गए, भारत के पूरी तरह से राज्य बन गए. देखिए सिक्किम का तो आपको पता ही है. ठीक है. और उसके बाद में क्या रहा था, फिर उसके बाद में आसाम जिसको डिवाइड कर दिया गया था. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2. तो नंबर क्या हो जाएंगे आपके 17 में, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी. तो दो ऐसे राज्य थे जो कि पहले क्या थे, ऑटोनॉमस थे और बाद में कंप्लीटली भारत के स्टेट बन गए. अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप आराम से इसको ले सकते हैं. ठीक है. 18th है हमारा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ. कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्षेत्र को क्या माना गया है? टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, या ऑल ऑफ द अबव. कि सारे इसके आंसर हैं. तो सारे ही हैं. ठीक है. क्योंकि इसको राज्यों का संघीय क्षेत्र भी माना गया है, राज्यों का क्षेत्र भी माना गया है, और सरकार के द्वारा अर्जित किया गया क्षेत्र भी माना गया है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18th का डी. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस. उत्तराखंड एग्जिस्टेंस में कब आया था, मीन्स अस्तित्व में कब आया? तो इसका हमारा आंसर क्या होगा 2000. ईयर तो मोस्टली हमें पता ही है. ठीक है. तो आंसर हमारे ए या बी इनमें से कोई सा होना चाहिए. तो सही आंसर हमारा इसका होगा 9 नवंबर को बना था. ठीक है, 2000 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज. भारतीय संविधान में देश का वर्णन किया है. अ फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मीन्स राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है. बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ, या भारतवर्ष बोला गया है, या फेडरेशन नेशन बोला गया है मीन्स देश का एक संघ है. तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है. तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. मतलब कि जो सही मैच नहीं कर रहा है वही हमें बताना है. तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि राज्यों के नाम दिए गए हैं और उसके साथ में इनका एडमिनिस्ट्रेटर्स दिए गए हैं कि कौन किसको एडमिनिस्ट्रेट करता है. तो अंडमान निकोबार को राज्यपाल मीन्स गवर्नर, चंडीगढ़ को चीफ कमिश्नर मीन्स मुख्य आयुक्त, लक्षद्वीप को इनके प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर बोल लो, या और दमनद्वीप का आपका क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल. तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है, मीन्स जो गलत है वो बताना है. तो देखिए दमनद्वीप का है ही राज्यपाल उपराज्यपाल करता ही है प्रशासक, लक्षद्वीप है इसका आपका कौन है, इसका एडमिनिस्ट्रेटर देखता है,
चंडीगढ़ का कौन है? मुख्य आयुक्त है और अंडमान निकोबार में गवर्नर नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। एट प्रेजेंट इंडिया कंसिस्ट ऑफ, भारत मिलकर बना है कितने राज्यों से, मिलके बना है कितने, इसमें यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अगर हम रीसेंट, एट प्रेजेंट हम रीसेंट की बात करें अगर, तो इस टाइम पे कितने हैं, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, हमने पहले पढ़ा ही था ये, कि अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पहले 9 यूनियंस थी, यूनियन टेरिटरीज थी, और उसके बाद में क्या हुआ, ये 8 यूनियन टेरिटरीज बन गया, क्योंकि दमन दीव व दादर नगर को क्या कर दिया गया है, एक कर दिया गया है, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप इन 1953 टू कंसीडर द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज हेडेड बाय, कि जो 1953 में जो कमीशन बैठी थी रीऑर्गेनाइजेशन की, पुनर्गठन की, उसमें भाषा के लिए मांग करी गई थी। ठीक है, तो वो किसके अंडर, किस कौन उसको गाइड कर रहा था, ये हमें बताना है। तो इनमें से कौन है वो, 23 में हमारा आंसर हो जाएगा क्या, की एम पानीकर, फैजल अली, एच एन कुंजरू और एम सी महाजन। तो एम सी महाजन फिलहाल अभी हमने ऐसा कोई नाम यहाँ पे सुना नहीं था। ठीक है, बचे फजल अली, के एम पानीकर और एच एन कुंजरू, तो इसका सही आपका आंसर क्या होगा, फजल अली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड, ऐसी कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें मंत्रिपरिषद को चुना जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो गलत है वो बताना है। ठीक है, तो जो गलत होगा वही हमारा इसका आंसर है सही। इंडिया करंटली डज नॉट हैव एनी एक्वायर्ड स्टेट, ये बात तो सही है बिल्कुल, कि एक्वायर्ड स्टेट जीरो है हमारे, तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट बताना है। यूनियन टेरिटरी इज द एरिया विच इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। दिल्ली हैज़ बीन नोन एज नेशनल कैपिटल रीजन सिंस 1992, बिल्कुल सही है ये भी, 1992 में ये क्या बन गया था, NCR बन गया। ठीक है, लास्ट है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ये गलत है, क्योंकि मद्रास में नहीं, ये आते हैं केरला के। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आंसर होगा, मींस 25 का आंसर हमारा क्या हो गया यहां पे, आपका डी। नेक्स्ट है हमारा, हु गवर्न्स द यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीप, की दमन द्वीप को कि कौन प्रशासित करता है। लास्ट से लास्ट अभी क्वेश्चन में हमने देखा था कि कौन करता है, मैंने बताया था सही गलत वाले में हमने अंडमान निकोबार का देखा था कि वो हमारा आंसर था। तो इसका आंसर एक्चुअली में क्या होगा हमारा, एडमिनिस्ट्रेटर, लास्ट में हमने पढ़ा था। ठीक है, दमन द्वीप को कौन कंट्रोल में करता है, तो होगा एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स प्रशासक। 27 क्वेश्चन है हमारा, हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, कौन अपॉइंट करता है उनको, तो हमारा इसका सही आंसर होना क्या चाहिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर इन समर सीजन, ध्यान रखेंगे ग्रीष्मकाल में पूछा गया है, तो क्या होगी इसकी कैपिटल, कौन सी होगी, श्रीनगर, जम्मू, लेह या सिलवासा, क्या होनी चाहिए 28 की, वो भी ग्रीष्मकाल में, तो हमारा सही आंसर क्या है, श्रीनगर, ये गर्मियों में होती है, और सर्दी में इसकी जो रहती है वो क्या रहती है, जम्मू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच वन द फॉलोइंग वर द रीजन टू फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी स्टेट्स, कि केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने का कारण क्या था, हमने पढ़े थे कल्चरल स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये सारे इसके रीजन्स रहे हैं बनाने के। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज को बनाने के कारण क्या क्या था, ये सारे थे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गवर्नमेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज स्टेट और यूटीज और कैन चेंज द बाउंड्रीज ATC, मीन्स किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये था कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है,
ठीक है, वो राज्यों को क्या कर सकती है, घटा या बढ़ा सकती है, राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित कर सकती है, ड्यूटीज को स्टेट्स में कर सकती है, मीन्स घटा या बढ़ा सकती है, बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है, जम्मू कश्मीर और लेह की कर दी थी, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो किस आर्टिकल में और अमेंडमेंट में हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, आर्टिकल 1 और 18 कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखिए ईयर तो हमारे यहाँ पे सेम है, ठीक है, आर्टिकल 3 और 18 कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, या फिर आर्टिकल 3 के 14th में, या आर्टिकल 1 के 17th कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है, द बी, आर्टिकल 3 में बताया गया है, 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, मतलब कि 18वें संविधान संशोधन में बताया गया है, अनुच्छेद 3 में 1966 में। तो 30 लास्ट का हमारा क्या होगा, इसका आंसर बी, ठीक है, 30 का आंसर हमारा हो गया बी। तो ये देखिए जो ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको अच्छे से लर्न करिए, प्रिपेयर कीजिए बढ़िया से, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कब बना, कैसे बना, ठीक है। तो बाकी जो डिस्क्रिप्टिवली मैंने आपसे बात करी थी लास्ट वीडियो में, सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, अच्छे से याद करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।